नमस्कार साथियों, मैं आज एक ऐसे गांव आया हूं जो आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव पर सरकार की नज़र पूर्ण रूप से नहीं पड़ी, जिसे रास्ता के लिए सरकार बोल रही है कि हर गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ करके गांव को जोड़ा गया है, लेकिन पन्ना जिले का द्वारी पंचायत के अंतर्गत टेढ़ी मजरा है जो गुनौर विकास खंड के अंतर्गत आता है, इस गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिससे लोगों को बरसात के दिनों में पैदल जाने में काफ़ी परेशानी होती है एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिक्कत होती है, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए जा नहीं पाते हैं, और बीमारी में जो शासन की एम्बुलेंस सेवा है वो सेवाएँ नहीं मिल पाती हैं। आइए मिलते हैं गाँव के लोगों से। क्या समस्या है भाई आप? सर जी, समस्या है कि हमारे गांव में रोड नहीं है। तो इससे क्या समस्या होती है? रोड से अब ये समस्या है सर कि ना तो हमारे ढंग से बाल बच्चे पढ़ भी जाते हैं और ना हम ही बाजार हाट कर पाते हैं, और पानी बरसन लगो तो बैठे हैं कहाँ, अब तन ठटा थे अब कहाँ जाए जी। जी समस्या है सर रोड। कितने दिन से समस्या है? 70 साल जी, 60-70 साल से है सर। कि आपसे बताइए जी, समस्या है कि कम से कम हम पैदा हो गए और हमारे जेठी पुरखा यही रास्ता निगत निगत वे भी गुजर गए, आज तक कोई सुनाई नहीं भाई, और ना ये रोड बना। रोड ना बनने से क्या समस्या? रोड ना बनने से ये समस्या है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहे, कोई रिश्तेदार आवे तो वो आ नहीं रहो, कजा कौन परेशानी आ जाए, बुखार ताप बीमारी तो पल का खटोलन पे ले जाओ, वाहन नहीं आएगा। एम्बुलेंस सेवा कैसे मिले? एम्बुलेंस भी नया है, बड़ी मुसीबत में आ है, वे उतई मेन रोड पे खड़ी कर ले हैं, वो कहते हैं कि अरे वहाँ मचा है, वहाँ फंस जाएगी, आप यहीं तक उठा लाइए, तो झोली में टांग के वो ले जाओ महलन खा, बच्चों को ये समस्या है। कितने परिवार के गांव में निवास कर रहे हैं? इतने हूँ हैं 150 बस्ती के परिवार। इसके अलावा और कौन कौन से गांव के यहाँ से इस रास्ते से निकलते हैं? इतने पूरी द्वारी पंचायत के आदमी आते जाते हैं, सड़कर के आते जाते हैं, हनुमतपुरा के आते जाते हैं, और पूरा मवेशी यहीं से निकलता है, पूरा यही निस्तार है। कितने किलोमीटर लंबी ये होगी? जाहू है कम से कम 5 किलोमीटर। आपको विद्यालय आने जाने में क्या समस्या होती है? रास्ते में इतना अधिक कीचड़ है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ आ पाते हैं, कम से कम घंटों लग जाता है और पूरे कपड़े बर्बाद हो जाते हैं, पशु भी यहाँ से निकलते हैं, इतना कीचड़ रहता है कि बरसात में आवागमन में तो बहुत अधिक परेशानी यहाँ होती है। ये समस्या कितने दिनों से है? जी समस्या तो कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे पदांकन यहाँ हुए, तभी से ऐसी समस्या है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बरसात में आप वाहन किस तरह से ले आते हैं? मोटरसाइकिल लाए, जहाँ तक मोटरसाइकिल आई तो ठीक है, वहाँ खड़ी कर दी और इसके बाद पेंट को ऊपर चढ़ाया और धीरे चले आए, और इसके बाद में फिर नल में हाथ पैर धोए, फिर स्कूल आ गए। इस समस्या के बदलाव के लिए मैंने समुदाय के साथ एक मीटिंग की और वीडियो बनाया, वीडियो का स्क्रीनिंग किया एवं आवेदन तैयार किया गया। इसके बाद आवेदन को जिला पंचायत कार्यालय में दिया जाएगा। मैं लक्कू प्रसाद, पन्ना जिला से, इंडिया अनहट के लिए।